नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। राज्यपाल तमिलीसाई ने सुझाव दिया है कि युवा चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं, सभी को एक लक्ष्य चुनना और आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और छात्रों को डिग्री और स्वर्ण पदक प्रदान किए। छात्र अपने कौशल में सुधार और उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने कहा है कि जीवन इतना आसान नहीं है, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं। योग को जीवन का अंग बनाना चाहिए, योग स्वस्थ और मानसिक शांति लाता है। But I have to say, because as madam also told us, our honorable prime minister always says, you should not be the job seekers. You should be job givers. And apart from that, you're the people who even missed your opportunity of education at your younger age. But you, with your conviction and hard work, you got the job, most of them. And then you got the degree. In a lighter sense, I was reading a message. One person was asking another person, how many boys? You have four boys, what are they doing? What they have, what are their education? It's in a very lighter sense I am telling. Then that other person told, first person is a BA, second person is an MBA, third person is an MCOM, fourth person is a thief. Then the other person told, why can't you throw out that fourth person out of the house? The other person told, he is the only earning member in my family. All other are unemployed. So this is real thing which we see in some of the houses. So I appreciate you, because as I went to the army school, they got selected for their duty to save the country, and then they are fulfilling that desire to continue their education. टीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने तेलंगाना विचारक और आंदोलन प्रेरणा प्रोफेसर जयशंकर की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। केटीआर ने ट्वीट किया, तेलंगाना एक सांस है, तेलंगाना एक ध्यान है, आपने जो जीवन जिया है वह महान है। स्वराष्ट्र में तेलंगाना की प्रगति के साक्षी के रूप में हमारी श्रद्धांजलि आपको है। जोहर प्रोफेसर केटीआर ने एक और ट्वीट करते हुए कहा है कि जयशंकर सर के साथ ली गई कुछ तस्वीरों में से यह मेरी पसंदीदा तस्वीर है। 29 नवंबर 2009 को अलुगानूर में केसीआर की गिरफ्तारी के बाद जयशंकर सर, मैं सीधे हनुमकोंडा में उनके घर पहुंचा। अगले दिन प्रोफेसर को गिरफ्तार कर खम्बम जेल ले जाया गया और मुझे वरंगल जेल ले जाया गया। केटीआर ने अपने ट्वीट में कहा, तेलंगाना योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि जयशंकर सर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तेलंगाना के लिए आखिरी क्षण तक संघर्ष किया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना के साथ हुए अन्याय के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जयशंकर सर की जयंती के अवसर पर तेलंगाना भवन में उनके चित्र पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में नक्सलियों के नाम पर कई लोगों की हत्या के कई मामले हैं। विनोद कुमार ने जयशंकर की प्रशंसा एक महान नेता के रूप में की, जिन्होंने पानी, धन और नियुक्तियों के बारे में कहा कि तेलंगाना के साथ अन्याय हो रहा है। विनोद कुमार ने बताया कि जयशंकर ने केसीआर के साथ मिलकर राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और तेलंगाना को कार्यकर्ताओं के बड़े पैमाने पर आंदोलन ने तैयार किया। इस अवसर पर गृह मंत्री महमूद अली, योजना आयोग के उपाध्यक्ष विनोद कुमार, विधायक दाना नागेंदर, मंगंटी गोपीनाथ, लक्ष्मी रेड्डी, मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी, निगम अध्यक्ष राजीव सागर, गज्जेला नागेश, पूर्व एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी, पूर्व मेयर बंटू राम मोहन सहित अन्य ने पुष्पांजलि अर्पित की। गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि जयशंकर सर वह व्यक्ति थे जो बचपन से ही तेलंगाना राज्य के गठन की कामना करते थे। उन्होंने याद दिलाया कि प्रोफेसर जयशंकर ने तेलंगाना को लेकर कई मुद्दों पर सीएम केसीआर को सलाह दी थी। उन्हें तेलंगाना राज्य के गठन की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। जयशंकर सर जयंती तेलंगाना भवन में मनाई गई। इस मौके पर गृह मंत्री महमूद अली ने जयशंकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
तेलंगाना के साथ हो रहे अन्याय के बारे में बताते हुए मंत्री इंद्रकरण रेड्डी ने कहा है कि जयशंकर एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने तेलंगाना की विचारधारा के विस्तार के लिए अपनी जान दे दी। प्रोफेसर जयशंकर की 88 जयंती के अवसर पर उन्होंने निर्मल कस्बे में जयशंकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जयशंकर सर ने कहा है कि वह हमेशा तेलंगाना समाज के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य के लिए जयशंकर की सेवाएं यादगार है। व्यवसाय विश्वविद्यालय का नाम प्रोफेसर जयशंकर के नाम पर रखा गया है। वित्त मंत्री हरीश राव ने कहा है कि पहले राज्य के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे इलाकों में जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। हरीश राव ने हैदराबाद में यात्री ट्रैवल ऑपरेटरों द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। एक्सपो में आयोजित बसों का निरीक्षण किया जाएगा और यात्रा संचालकों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ट्रैवल ऑपरेटरों ने वादा किया है कि अगर उनकी कंपनियां यहां स्थापित होती है तो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। हाईटेक प्रदर्शनी सेंटर में आयोजित इस एक्सपो में देश भर में करीब 4000 यात्री ट्रैवल ऑपरेटरों ने हिस्सा लिया। जो भी इश्यूज हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डेफिनेटली वी विल कंडक्ट अ हाई लेवल मीटिंग एंड आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी टू रिजॉल्व द इश्यूज। तेलंगाना इज द ओनली स्टेट व्हिच सप्लाइज 24/7 क्वालिटी पावर टू एवरी कंज्यूमर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर कोई बिजली का कटिंग नहीं होता है, बोलो तो नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक, हम किसानों को देते हैं, इंडस्ट्री को देते हैं, घरों को भी 24 घंटा पूरी 365 डेज वी डिलीवर क्वालिटी पावर। जब तेलंगाना स्टेट वॉज फॉर्म्ड हमारे पास तो 3 दिन इंडस्ट्री का पावर हॉलीडे था। जब तेलंगाना बने थे घरों में 6 घंटा बिजली का कट था। जब तेलंगाना बना था किसानों को तो 5-6 घंटा बिजली मिलता था, लेकिन आज तेलंगाना में या किसान या घर या इंडस्ट्री या कोई भी होने दो, हर कंज्यूमर को 24 घंटा करंट मिलता है। देयर आर नो पावर कट्स। तेलंगाना में तो कहीं जनरेटर नहीं है, कहीं कन्वर्टर नहीं है, कहीं इन्वर्टर नहीं है। विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने हैदराबाद में विधायक जीवन रेड्डी से मुलाकात की। विधान परिषद के सभापति गुत्ता सुखेंदर ने विधायक जीवन रेड्डी की हत्या के प्रयास की निंदा की। परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी बंजारा हिल्स में विधायक जीवन रेड्डी के आवास पर गए। घटना की पूरी जानकारी मांगी गई है। गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा है कि लोकतंत्र में ऐसी साजिशों के लिए कोई जगह नहीं है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विधायक जीवन रेड्डी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें बहादुर बनने को कहा। तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने अपनी पद यात्रा में विराम की घोषणा की और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वह उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अपने दिल्ली दौरे के दौरान उनके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की संभावना है। ऐसा लगता है दोनों इस महीने की 21 तारीख को मुनुगोडो में जनसभा और पद यात्रा की समाप्ति पर कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी आमंत्रित करेंगे। कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के विधायक पद और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के मद्देनजर मुनुगोडो में उपचुनाव होना तय है। वह भाजपा के शीर्ष नेताओं को राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बताएंगे। स्वतंत्रता समारोह के 75वें वर्ष होने के उपलक्ष में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम GHMC ने शहर के विभिन्न हिस्सों में 75 खाली प्लॉट को फ्रीडम पार्क के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जगहों की पहचान कर ली गई है। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने भी भव्य समारोह आयोजित करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने जहां 2 सप्ताह के लिए स्वतंत्र भारत वज्रोत्सव द्विसप्ताह मनाने का फैसला किया है, वहीं मुख्यमंत्री KCR ने अधिकारियों को समारोह के हिस्से के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में GHMC ने फ्रीडम पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत इस माह की 10 तारीख को 75 फ्रीडम पार्कों के साथ 75 चयनित क्षेत्रों में 70 से 750 पौधे भी लगाए जाएंगे। इसी दिन पौधारोपण के साथ फ्रीडम पार्क का विकास कार्य भी शुरू होगा।
स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में फ्रीडम पार्कों में बेंच, पैदल मार्ग, प्रवेश द्वारा और सौंदर्यकरण कार्य भी चल रहे हैं। जीएचएमसी के एक अधिकारी ने कहा है कि पेड़ की शाखाओं, बेंचों, दीवारों और अन्य कंक्रीट के ढांचे को तिरंगे से रंगा जाएगा और कुछ पार्कों में 75 तरह के पेड़ लगाए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि फ्रीडम पार्कों में तिरंगे झंडे के नीचे सेल्फी पॉइंट भी स्थापित किए जाएंगे और विभिन्न सौंदर्यकरण कार्य किए जाएंगे। जीएचएमसी फ्रीडम पार्क के विकास के लिए कुल 75 साइटों की पहचान करने और उन्हें विकसित करने के लिए एक कार्य योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही जीएचएमसी ने विशेष थीम आधारित स्वागत बोर्ड तैयार करने की योजना बनाई है। इनके साथ वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। इन थीम पार्कों में 10 अगस्त को शहर के स्कूलों में 75 पौधे लगाए जाएंगे। जीएचएमसी के एक अधिकारी ने कहा है कि स्कूलों और स्वतंत्रता पार्कों के साथ साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में संबंधित कॉलोनियों के जनप्रतिनिधियों और कल्याण संघों के समन्वय में एक पौधा कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। मौसम विभाग ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश पर सतही ट्रफ का प्रभाव जारी है। यह ट्रफ रेखा बीकानेर, कोटा, रायसेन, रायपुर, दीघा से दक्षिण पूर्व से बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी तक फैली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार यह समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दूसरी ओर पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में सतही ट्रफ के सहयोग से एक सप्ताह परिसंचरण जारी है। इसे समुद्री तल से औसतन 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ बताया गया है। तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से सतही ट्रफ और सतह परिसंचरण के प्रभाव के कारण भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग भविष्यवाणी कर रहा है कि अगले कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की जाएगी और अगले 3 दिनों तक कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होगी। मौसम विभाग पूर्वानुमान लगा रहा है कि रविवार की सुबह पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इस कम दबाव के प्रभाव से राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। देश में अभी भी कोरोना का फैलाव जारी है। 3 दिन से यहां वहां से 20,000 मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 19,406 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। पिछले एक की तुलना में 571 मामले कम हुए हैं। 38 नए लोगों की मौत वायरस से हुई, वहीं 19,928 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। देश में फिलहाल 1,34,793 एक्टिव केस है। सक्रिय दर 0.31% है। देश भर में 4,34,65,552 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। रिकवरी रेट 98.50% दर्ज किया गया है। कोरोना से अब तक 5,26,649 लोगों की मौत हो चुकी है। मृत्यु दर 1.19% है। देश के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। संसद भवन में सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम को समाप्त हुआ। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा इस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव और अन्य ने पहले घंटों में मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग किया। लोकसभा के 543 सदस्यों और राज्यसभा के 245 सदस्यों ने मतदान किया। वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होगा। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति 11 तारीख को शपथ लेंगे। चूंकि संसद का सत्र 12 तारीख तक चलेगा, इसीलिए नए उपराष्ट्रपति के अंतिम दिन सभापति की हैसियत से राज्यसभा की अध्यक्षता करने की संभावना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली में बड़े पैमाने पर दोपहिया रैली का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से आज़ादी के 75वें साल पूरे होने को उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है।
प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों में जागरूकता लाने के लिए सिख संगठन के नेतृत्व में 750 मोटर बाइकों से दो पहिया रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खुद भी रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने देश के सभी लोगों से आज़ादी का अमृत महोत्सव में भाग लेने का आह्वान किया। सब्सिडी वाली यात्राओं के कई वर्गों को अलग अलग कर चुका रेल विभाग सामान्य यात्राओं पर भी बोझ डालने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत रेलवे अधिकारियों की ओर से कई ट्रेनों में डायनेमिक फेयर की व्यवस्था लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वर्तमान में दक्षिण मध्य रेलवे जोन में यहाँ व्यवस्था केवल 3 ट्रेनों में लागू है। इसे अन्य ट्रेनों में विस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारी उन ट्रेनों का अध्ययन कर रहे हैं जिनकी प्रतीक्षा सूची लंबी है और कई दिनों से पहले आरक्षण समाप्त हो गया है। इन विवरणों के आधार पर किन ट्रेनों में डायनेमिक टिकट प्रणाली लागू की जाए इस पर अंतिम निर्णय लेना संभव होगा। पहले ही रेल विभाग का कहना है कि यह नीति सिर्फ उनके लिए है जो तत्काल यात्रा करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि असली मकसद टिकट के जरिए राजस्व बढ़ाना है। डायनेमिक फेयर ट्रेनों में केवल पहले 10% टिकट के लिए आधार मूल्य है, उसके बाद प्रत्येक 10% टिकट के लिए शुल्क में 10% की वृद्धि होगी। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।